एनसीईआरटी फिजिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर 1 जिसमें अपने फिजिक्स का परिचय को पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन को देखे थे दोस्तों। आज जो अपने चैप्टर जो है ना, यहाँ से आपका फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर चालू होता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों कल तो सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन जाने थे, किसका? फिजिक्स का। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है, एक भौतिकी विज्ञान का एक परिचय अपने पढ़े थे जिसमें मैंने आपको साइंस का पूरा डिटेल बताया था, साइंस का डिफाइन कैसे करेंगे, साइंस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स के बारे में बताया था दोस्तों, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, फिजिक्स कहाँ से आया, मैंने पूरी रूप से इसको एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ दोस्तों मैं उसका जो है वर्गीकृत भी किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, इसको भी मैंने क्लियर किया था, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों उसी में से आपका जो फिजिक्स का चैप्टर 1 कल कंप्लीट हुआ था, जिससे क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है, बस उसका इंट्रोडक्शन था। जैसे आप कहीं जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका एक परिचय होता है, उसी तरह हम जब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे थे तो फिजिक्स का एक परिचय पढ़े थे। उस चैप्टर से दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आप उसका परिचय रखिए, इंट्रोडक्शन आपको दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, आज जो मैं चैप्टर चालू कर रहा हूँ अध्याय 2 चैप्टर 2, वो है आपका मेजरमेंट्स। चैप्टर क्या है? मेजरमेंट। दोस्तों फुल्ली रूप से मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, आप दिल खोल के पढ़ाई करें ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप मेरा साथ दीजिए, आप इसका नोटबुक बनाते चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 आज, उसमें आपको क्या पढ़ना है? मेजरमेंट मतलब मापन। क्या पढ़ना है आपको दोस्तों? आपको मापन पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है। दोस्तों इस चैप्टर, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिक्स का अध्याय चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन एग्जामिनर इस चैप्टर को कभी भी भूलता नहीं है। मतलब आपको जो है कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये चैप्टर इतना ही महत्वपूर्ण है जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि एग्जामिनर चाहे भी दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। जो बच्चे डर रहे हैं कि साइंस मेरे को समझ में नहीं आती है, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, सर मेरे को साइंस माइंड से मतलब जो ओवरफ्लो होता है, दोस्तों आप बस वीडियो को कंसंट्रेट होके देखिए, माइंड को स्थिर करके देखिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम लिया हूं, आपको मैं फिजिक्स को बिल्कुल ही आसान कर दूंगा दोस्तों। साइंस का 3 जो पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं इतना आसान कर दूंगा कि आप भी बोलेंगे कि आज तक मैंने ऐसी पढ़ाई पढ़ी नहीं थी। तो दोस्तों आप आज पढ़ेंगे मेजरमेंट। नोट्स बनाना ना बोले, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ताकि यही आपको एग्जाम के टाइम में आपको काम देगा। तो दोस्तों चलते हैं चैप्टर की ओर, आपको डरना नहीं, बिल्कुल मजे के साथ पढ़िए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना माइंड में। तो दोस्तों आज अपने चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उसमें क्या आपका मेजरमेंट, हिंदी में बोलते हैं उसको मापन। दोस्तों सबसे पहले आप ये चीज बताइए, मेजरमेंट सुनने से भी लग रहा है लॉजिकल बात है कि मापन मतलब मेजरमेंट, किसी चीज को मापना। दोस्तों आप किसी शॉपकीपर पे दुकान जाते हैं और बोलते हैं कि 1 लीटर का जो है मुझे दूध दे दीजिए, तो दोस्तों वो क्या है आपके, वो मेजरमेंट किया हुआ है ना, उसको मापन किया गया है। आप जब इसी को अपने आज डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब जब मेजरमेंट होता क्या है, मापन होता क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको जानने के लिए इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है। मेजरमेंट में सबसे पहले क्या जानेंगे, भौतिक राशियां क्या होती है। तो आज जान लीजिए कि भौतिक राशियां क्या, इसी को वो इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है इसको? फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। दोस्तों आज अपने जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। दोस्तों यदि आप टॉपिक वाइज इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे चैप्टर का, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा गारंटी है। तो सबसे पहले आज जानते हैं कि मेजरमेंट है दोस्तों, वो भौतिक राशियां, वो भौतिक राशियां जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और उसको मापने के बाद उसको हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वही क्या है आपके भौतिक राशियां है, वही क्या आपके भौतिक राशियां, वही आपका क्या है मेजरमेंट है। फिर से सुन लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बोर्ड पे पहले लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो लिखने में, क्योंकि दोस्तों लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो जानिए भौतिक राशियां आप रट लीजिए, मतलब मैं 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा, भौतिक राशियां क्या है, मेजरमेंट क्या है, सॉरी क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो भौतिक राशियां जिसको हम माप सकते हैं
और मापने के बाद उसको हम संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, संख्या द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, वही आपका क्या है भौतिक राशियां है, वही आपका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या वही फिजिकल क्वांटिटीज है दोस्तों, कह रहा है कि वह भौतिक राशियां की वही भी जो है ना राशियां, आप मान लीजिए आपने क्या किया लंबाई, आपने एक मीटर का कपड़ा लिया, या आपने एक लीटर जो है ना दूध लिया, या आपने 5 kg जो है ना आपने मतलब राइस लिया, कुछ भी लिया दोस्तों, तो जब उसको मतलब उसी को हम भौतिक राशियां बोलेंगे जिसको हम माप सकते हैं। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी हम उसी को बोलेंगे जिसको माप सकते हैं, मापने के बाद उसको हम संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही आपके डेली लाइफ में होता है, आपके पर डे लाइफ में होता है, चाहे पढ़ने वाले हो या नहीं पढ़े हो, सबके लाइफ में होता है, बस समझने की जो है ना फेर होती है दोस्तों। जैसे आप दुकान पे गए दोस्तों, आपने बोला कि 1 kg जो है ना चीनी दीजिए, तो दोस्तों दुकानदार क्या करता है उसमें से तोलता है, मतलब मापन करता है, उसको क्या करता है मापने का काम करता है, और मापने के बाद उस जो जिस डिवाइस से वो मापता है उसमें सब कुछ क्या कि फिक्स रहता है, उसमें जैसे आपने 1 kg मांगा तो वहां जो है उसको क्या करता है रीडिंग के द्वारा उसको शो करता है कि 1 kg हो गया, आपको दुकानदार दे देता है, आपको आपने 1 kg मांगा और दुकान वाले ने आपको 1 kg दे दिया। सबसे पहले क्या किया उसको मापने का काम किया, मापने के बाद उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर दिया कि यह 1 kg है। तो दोस्तों यही तो है भौतिक राशियां, यही तो है फिजिकल क्वांटिटीज, यही तो आपके है फिजिकल क्वांटिटी, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी के उदाहरण बार बार पूछा जाता है कि बताइए इसमें से फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा है, बताइए इसमें से जो भौतिक राशियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि भौतिक राशियां हम कहते हैं किसको है, हम क्यों किताब को रटते दोस्तों, किताब के रटने से आप कितना दिन रटे रहेंगे, कितना दिन आप जो माइंड में रखेंगे, जो चीज आप समझ के पढ़ेंगे दोस्तों आप यदि भूल भी जाते हैं कुछ समय के लिए, यदि आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपका माइंड रिप्लाई देगा। इसलिए अब रट्टा नहीं मारे, अब रट्टूमल नहीं बने दोस्तों, समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बोला भौतिक राशियां वो है जिसको हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, मापने के बाद उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, संख्या द्वारा उसको क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं, वही तो भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियां हमें बहुत सारी आती है, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सारे क्या भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं पहले मापते हैं, मापने के बाद क्या करते हैं दोस्तों उसको संख्या द्वारा हम व्यक्त करते हैं, हम जिसको माप सकते हैं। सिंपल सा भाषा में एक लाइन में आप भौतिक राशियों को जान लीजिए, जिसको हम माप सकते हैं और उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वही क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज होता है, वही क्या होता है भौतिक राशियां होती है। अब भौतिक राशियां बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तु है, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, मापने के बाद उसको हम संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे हैं, तो कुछ उदाहरण के रूप में देखते हैं। अभी भी जिस बच्चे को माइंड में समझ में नहीं आया है, जिसके माइंड में नहीं गया है, मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख रखा हूं। देखिए दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके माइंड में बैठ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उसको बार बार बोलने के बावजूद भी जो है ना, क्योंकि उसे उसको पहले से ही भय बना रहता है। तो आप डरे नहीं, मैं आपके लिए पहले से ही क्या कर रखा हूँ व्यवस्था कर रखा हूँ। तो दोस्तों मैंने लिख रखा है इसमें, देखिए जो मैंने अभी आपको बोला हूँ, जो मैंने आपको अभी समझाया हूँ, वो सारी चीज मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहले मैंने भौतिक राशियां लिखा, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है पदार्थ के वे भौतिक गुण जिनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिनको हम मापन किया जा सकता है, जिनको मापन के मतलब माप सकते हैं, मापन के मतलब कि जिसको मापन किया जा सकता है, तथा उनकी माप को संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो अभी यही समझा रहा था ना, कोई भौतिक कोई पदार्थ है उसको आपने मेजर किया, आपने मापा उसको, मापने के बाद उसको आपने प्रदर्शित कर दिया, उसको व्यक्त कर दिया कि यह 1 kg है, यह 5 kg है, यह 10 kg है। तो दोस्तों पहले आपने मापा उस पदार्थ को, पहले आपने मापने का काम किया, मेजर करने का काम किया, उसके बाद उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर दिया, यही आपकी क्या है भौतिक राशियां है। तो दोस्तों अब समझते हैं भौतिक राशियां बहुत सारी मैंने अभी बताया, जैसे सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं, लेंथ। दोस्तों आप दुकान पे जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, ठीक, आप बोले आपको जो है ना, मान लो कि आपको शर्ट सिलवाना है, तो दुकानदार बोला कि आपको जो है ना
सवा दो मीटर आपको कपड़े की जरूरत है। आप दुकान पे गए दोस्तों, उसके पास बहुत थोक रहता है, वो आप जैसे ही उसको बोलते हैं हमको जो है 2 मीटर चाहिए, तो दोस्तों वो क्या करता है, मापता है। आपने देखे होंगे उसके पास फीता रखा हुआ रहता है मेजर करने के लिए, वो मापता है 2 मीटर। मापने के बाद उसको जो है ना आप उसको क्या करते, व्यक्त कर दिया जाता है कि लीजिए भाई साहब आपका जो है ये 2 मीटर कपड़ा। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, लंबाई को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के बाद उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, जैसे मान लीजिए कोई बोतल है दोस्तों, आप दुकान पे जाते हैं, कोई बोतल है उसमें जो है ना 1/2 लीटर मतलब 500 जो है ना 500 mg उस पे जो है बोतल में है, ठीक है। आधे केजी मान लीजिए, कोई आधे केजी का बोतल है, आपने गया आप बोला कि मेरे को जो है 1/2 लीटर दूध दे दो, दोस्तों उसमें पहले से ही माप करके और उसको संख्या द्वारा व्यक्त करके उसको आप पैकिंग कर दिया गया है, तो मतलब उस बोतल में मतलब उस थैली में कितना लीटर है, 1/2 लीटर है, कितना है, 1/2 लीटर है दोस्तों। उसको माप करके और संख्या द्वारा प्रदर्शित करके उस पैकेट पर लिख दिया जाता है कि ये 1/2 लीटर है, ये 1 लीटर है। दोस्तों सबसे पहले लिखने से पहले उसको मापा होगा, मापने के बाद उसको जो उस बोतल में दिया होगा और उस तभी जो उस बोतल पे लिखता है ये 1/2 लीटर है। तो दोस्तों आयतन समझ गए। जैसे आप तेल की बात कीजिए दोस्तों, जैसे आप जो है ना या पेट्रोल की बात कीजिए, कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है ना, 1/2 लीटर पेट्रोल है। तो दोस्तों क्या है, उसको मापते हैं डिवाइस के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर देते हैं। ये जितने भी दुनिया में वस्तु है जिसको हम माप सकते हैं, मापने के बाद उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी क्या होती है, भौतिक राशियां होती है, वो सारी क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। तो दोस्तों हम आयतन को भी हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। क्षेत्रफल को भी हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल जैसे एरिया, जिसको एरिया ही बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं। जैसे आपको एरिया की बात कर लीजिए, मान लीजिए आपको दो जन क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करते हैं उसके दोस्तों, सबसे पहले मेजर करने का काम करते हैं। जैसे आप देखे होंगे जमीन को करता है, क्या करता है लोग, पहले जो है ना उसको मापने का काम करता है, मापने के बाद जो है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसको व्यक्त करता है। तो क्षेत्रफल भी क्या है, आपके भौतिक राशियां है। उसके बाद समय, टाइम की बात करते हैं दोस्तों, आप मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में आप टाइम तभी देख पाएंगे जब तक वो घड़ी का जो सब कुछ है ना वो सेटअप नहीं है। मान लीजिए घड़ी अभी जो है ना 7 बज रहा है, तो 7 बज रहा आपने देख लिया कि जाना वॉच में जाना 7 o'clock 7 बज रहा है, तब तो आपने उसको क्या कर दिया, आप किसी पे रिटर्न करते हैं, लिखते हैं कि ये अभी 7 बज रहा है। मान लीजिए आप कहीं किसी ऑफिस में एंट्री कर रहे हैं, तो आप घड़ी देख के वहां एंट्री करते हैं। दोस्तों आपने क्या किया, वहां जो लिखा हुआ वो मेजर किया हुआ है, और उसको मेजर करके आप क्या करते हैं, उसको व्यक्त कर देते हैं, लिख देते हैं। यही तो आपका क्या दोस्तों, भौतिक राशियां है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। मान लीजिए दोस्तों कोई कोई व्यक्ति है और उसको जो है ना एयरफोर्स में जाना है, उसको किसी मान लीजिए किसी पुलिस विभाग में जाना है, तो वो अपना वेट बढ़ाना चाह रहा है। पहले उसका 50 kg था, अब उसको 60 kg चाहिए। दोस्तों वो अच्छा खाना खा रहा है, और जब वो मापने के लिए गया, जब डिवाइस पे चढ़ा दोस्तों, तो वो अपना क्या किया, वो भी तो एक पदार्थ है, वो व्यक्ति भी तो एक पदार्थ है, उसको क्या किया, सबसे पहले मापने का काम किया। जैसे उस डिवाइस पे चढ़ता है दोस्तों, वो रीडिंग शो कर देता है कि ये जो है ना 60 kg का है, ये 55 kg का है। कहने का मतलब है दोस्तों, सबसे पहले मापने का काम होता है, पहले मेजर करने का काम होता है, मेजर करने के बाद उसको संख्या द्वारा जो हम व्यक्त कर देते हैं, वही क्या आपके भौतिक राशियां हैं। मुझे उम्मीद है आपको भौतिक राशियां अच्छी तरह समझ में आई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे भौतिक राशियां की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों जिस बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को स्लो करके आप जो है ना लिख लेंगे। बहुत बच्चे की ये कंप्लेन होती है सर जो है 140 में, दोस्तों आप YouTube जो चलाते हैं उस पर 140 उसमें सब दिया हुआ है कि आप HD में देखना चाहते हैं या जो है ना उससे मीडियम में देखना चाहते हैं, तो 140 में नहीं करके 240 में आप वीडियो देखें, तो आपको जो है ना पूरा क्लियर दिखाई भी देगा दोस्तों, और जो है ना स्पष्ट दिखाई देगा, और ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। और जिस जो बच्चे के पास अवेलेबल है वो बच्चे जो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों अब जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियां का जो है ना वर्गीकरण। तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां का वर्गीकरण।
तो दोस्तों अब जो है ना इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां का जो है ना वर्गीकरण पर है। दोस्तों सबसे पहले मेजरमेंट में आपने क्या जाना कि मेजरमेंट होता क्या है। सेकेंड पॉइंट आपने जाना कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें है टॉपिक है क्या, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, आपने वो चीज को जान लिया। अब दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना अलग अलग आधार पे क्या किया, बांटा गया, अलग अलग आधार पे जो वर्गीकृत किया गया वही वर्गीकृत में से आपको पढ़ना भी है। तो दोस्तों दिशा परिणाम और मात्रा के आधार पे वर्गीकृत किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, दिशा परिणाम वो मात्रा के आधार पर जो है ना भौतिक राशियां को वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया, दिशा परिणाम मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां का वर्गीकरण। तो दोस्तों भौतिक राशियां का वर्गीकरण जिस इसमें दो जो है ना इसको पहले वर्गीकरण जो किया गया, एक दिशा और परिणाम के आधार पे दूसरा मापन और मात्रक के आधार पे। याद रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में आया हुआ अभी आपको लगता होगा इसमें तो उलझने वाली बात है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है दिशा और परिणाम के आधार पे, और कभी कभी पूछा जाता है मापन और मात्रक के आधार पे। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको जो है इसका डिफाइन करवा सकता था, क्वेश्चन करवा सकता था, इसके बारे में एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन क्या जरूरत है दोस्तों इतना लिखने का जरूरत है? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप समझते चलिए, इसको नोटबुक में लिखते चलिए, जब आपके एग्जाम आएगा दोस्तों कोई किसी एग्जाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किस किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे घुमाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले दिशा और परिणाम के आधार पे दो इसको जाना दो भागों में बांटा गया है, एक अदिश राशि दूसरा सदिश राशि, मतलब किसके, दिशा और परिणाम पे। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिशा और परिणाम के आधार पे बांटा गया है, सदिश राशि अदिश राशि डी में ऐसी में देगा, दोनों डी में देगा कोई नहीं। तो दोस्तों जब तक आपको नॉलेज पता नहीं रहेगा, जब तक आपको समझे हुए नहीं रहेंगे कि दिशा और परिणाम के आधार पे भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया, एक सदिश राशि एक अदिश राशि, एक फिजिकल एक जो वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए क्वेश्चन फिर दूसरे तरह किस तरह पूछ सकता है, मतलब मात्रक और मापन और मात्रक के आधार पे भौतिक राशियों को बांटा गया है, ए में आपको देगा मूल राशियां, बी में देगा व्युत्पन्न राशियां, सी में देगा पूरक राशियां, और डी में देगा सभी। तो दोस्तों जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक अभी आप जिसे पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, मापन और मात्रक के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशियां को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। एक जो कहते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एक बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, इसको जो है ना डिराइव्ड जो है ना क्वांटिटीज बोलते हैं। एक पूरक राशि होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो दोस्तों जब तक आप जानेंगे ना, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ और उससे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों समझने के साथ साथ आप इसको नोटबुक में भी लिखते चले। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिशा और परिणाम के आधार पर जो बांटा गया है अदिश राशि और सदिश राशि। दोस्तों ये सदिश राशि अदिश राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, और इस पे मैं बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों इसको बहुत ही विवेक कर लीजिए, आप इस चीज को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसको, दिशा और परिणाम के आधार पर जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा अदिश राशि है, बताइए इसमें से कौन सा सदिश राशि है, बताइए इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए इसमें से कौन सा जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक कैसे आप उसका रिप्लाई करेंगे, जब तक आप कैसे उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों आप दिशा और परिणाम के आधार पर दो भागों में बांटा गया, याद रखिए, अभी भी याद रख लीजिए, बोर्ड पे कोई जरूरत नहीं है आपको ध्यान देने का, माइंड कंसंट्रेट करके रखिए, दिशा और परिणाम के आधार पे दो भागों में, दिशा और परिणाम के आधार पे एक सदिश राशि एक अदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, खत्म। अब बात करते हैं मापन और मात्रक के आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, किसको, भौतिक राशियां को, किसको, भौतिक राशियां को, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां हैं,
व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, ये मापन और मात्रा के आधार पे बांटा गया, ये मापन और मात्रा के आधार पे बांटा गया। तो दोस्तों आपने क्या दिशा और परिणाम परिणाम के आधार पे दो भागों में बांटा गया और मापन और मात्रा के आधार पे तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए, अंग्रेजी वाले बच्चे के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और जाना किसके दिशा और परिणाम के आधार पे अधिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों ये जितने भी क्वांटिटीज है ना, सारे को मैं इस तरह आपको पढ़ा दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। खास करके ये जो है अधिश राशि और अधिश राशि आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ना भी है और मुझे अच्छे तरह से पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि एसएससी हो गया, जीडी एग्जाम हो गया, जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होता है दोस्तों, इस टॉपिक से वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछता ही है। रेलवे की बात तो छोड़िए आप, जो जो ए ग्रेड की जॉब होती है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर बताइए कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटीज कौन है, बताइए इसमें से स्केलर क्वांटिटीज कौन है। खास करके ये दोनों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको जो है फिगर के साथ दोस्तों मैंने बोर्ड पे लिखा, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे पढ़ना कहां से है। दोस्तों आप एक सुने होंगे, अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट होता पढ़ते जाता लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस चैप्टर में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है जिसको मुझे पढ़ना है अच्छे तरह से, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट फाइट किया जाता है, मैं उसको पढ़ूं। तो दोस्तों पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारे, मान लीजिए आपने कोई एनसीईआरटी कोई बुक उठाई, बहुत सारी मोटी बुक होती है, बहुत सारे उसमें लिखा हुआ होता है, क्या उसको आप एक एक करके पढ़ेंगे क्या? जैसे मैंने अभी देखी, अभी मैंने आपको क्या क्लियर किया, ये आपको बहुत जरूरी है, इसके तुलना में यह ना के बराबर पूछा जाता है, फिर भी इसके बारे में हम जो है ना पढ़ लेंगे, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर करते जा रहा हूँ कि कौन आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप टॉपिक को टिक भी करते चले या उसमें वीवीआर लगाते चले, ताकि आप रिविजन के टाइम में उसको जो है जैसे पेज पलटेंगे आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर ने महत्वपूर्ण करवाया था, बताया था कि ये एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस समय आप एग्जाम के टाइम में उस टॉपिक पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसलिए अभी से उसको विवेक करते चलिए या टिक करते चलिए कि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज आपका चैप्टर दो, अध्याय दो, जिसमें आपने मापन मतलब मेजरमेंट पढ़ना शुरू किया, जिसमें आपने जाना कि मेजरमेंट क्या होता है। सेकंड पॉइंट आपने जाना कि भौतिक राशियां होती क्या है, भौतिक राशियां जिसको माप सकते हैं, संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, वही क्या है भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसको जो है दिशा और परिणाम के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक जो है ना स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि, एक अधिश राशि। आपको ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों मापन या और मात्रा के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया, पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल्य राशि। आपको जो है ना मापन और मात्रा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, क्या कौन कौन सा दोस्तों? एक जो है पूरक राशि, एक मूल राशि, एक जो है ना व्युत्पन्न राशि, एक जो है ना आपके फंडामेंटल क्वांटिटी, एक जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी और एक जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में अपने जो है स्टार्ट करेंगे अधिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आप इसके लिए तैयार रहे, ये एग्जाम की रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों ये आपका क्लासिफिकेशन था भौतिक राशियां का, आपने जाना भौतिक राशियां क्या है और जो है इसका क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके जो है ना आप जो है ना सीरियल वाइज अपने पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अधिश राशि, उसके पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे सदिश राशि पढ़ेंगे, मूल राशि पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे, पूरक राशि पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट होगा दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ना करना भूले दोस्तों। आप जो है ना वीडियो को कंटिन्यू देखें, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, इससे आपको फायदा होगा ना कि मेरे को फायदा होगा। आप यदि कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे, भगा के नहीं देखेंगे दोस्तों, इससे आपको क्या होगा, आपको पॉइंट वाइज आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए आप इसका नोटबुक बनाए फर्स्ट में और जब वीडियो को भगा के नहीं देखें। दोस्तों आपकी सपोर्ट है, आप मुझे हेल्प कीजिए, देखिए आप मेरी मेहनत देखिए, मैं फुली रूप से कोशिश करता हूँ आपको देने का, ताकि
आप जो उस एक बार उस नोटबुक बना लेने के बाद वो आपका रामबाण का काम करेगा दोस्तों। जैसे ही आपने एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप मैं आपके ग्रुप बहुत सारे आज के जो है ना स्टूडेंट का जो है ना काफी ग्रुप होता है, फेसबुक पर होता है, फेसबुक पेज पर होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, उसके बाद जो है टेलीग्राम पे होता है दोस्तों, हर जगह आप इसको शेयर कीजिए। और फिर इसमें यदि दोस्तों यदि आपको लग रहा है यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, या कुछ ऐसे मतलब जो है ना स्टूडेंट है जो काफी दिनों से जो ना कंटिन्यू पढ़ाई की है, बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ सर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए दोस्तों, इसको आप जो है ना बेहिचक जो ना मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों मेरा प्लेटफॉर्म, मैं अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में नया आया हूँ, मुझे खुद की गलती खुद दिखता नहीं है। इसलिए आप यदि आपको लगे कि यहाँ आपका इम्प्रूवमेंट होना है किसी भी चीज में, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो दोस्तों आप कमेंट्स में लिखें सर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू सो मच।